हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमटीवी किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रसमलाई। रसमलाई जो सबको खाना बहुत पसंद होती है, एकदम माउथ वाटरिंग रसमलाई आज हम बनाने वाले हैं। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी आपके घर में इजीली अवेलेबल होते हैं, तो आप इसे आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं। आज मैं रसमलाई सैफ्रन फ्लेवर के साथ बनाने वाली हूँ। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसका कलर सैफ्रन से आया है ये, और फ्लेवर भी इसका बहुत लाजवाब आता है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दें आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर रसमलाई की रबड़ी बनने के लिए रखी है, जिसके लिए मैंने दूध लिया है, 1 लीटर दूध है ये। अब हम इसको एक बॉयल आने देते हैं। पहले ये देखिए दूध में बॉयल आ चुका है। अब हमने इसको पकाना है 10 से 15 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे। अब मैंने इसमें डाले हैं थोड़े से सैफ्रन थ्रेड। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं सैफ्रन फ्लेवर से रसमलाई बनाऊंगी आज। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा और बहुत अच्छा कलर भी आएगा रसमलाई में। तो अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक। और बीच बीच में मैं इसे चलाती रहूँगी, और जो इसके साइड्स में मलाई आ जाती है इसको भी हम इसी में ऐड करते रहेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो मैं इसको अभी दूसरी गैस पे शिफ्ट कर रही हूँ। इतने हम रसमलाई का प्रोसेस शुरू करते हैं और मैं आपको वीडियो के बीच बीच में दिखाती रहूँगी कि किस तरह से पक रही है और किस तरह से ये क्वांटिटी में हाफ हो रही है। तो इसको मैं दूसरी गैस पे शिफ्ट कर रही हूँ। अब हम रसमलाई बनाना शुरू करते हैं। रसमलाई बनाने के लिए मैंने ये अलग से दूध लिया है 1 लीटर। इसको भी हम एक बॉयल आने देते हैं, फिर हम इसका छेना बनाएंगे। ये देखिए दूध में बॉयल आ चुका है, गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम इस दूध को गैस पे से उतार लेंगे। अब छेना बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच विनेगर का यूज़ किया है। आप इसकी जगह नींबू का रस भी ले सकते हैं। अब हम इसमें 4 से 5 चम्मच पानी ऐड करेंगे। ये देखिए जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, अभी हमारा सिरप रेडी हो गया है छेना बनाने के लिए। अब जो हमने दूध बॉयल करके रखा था उसमें हम ये सिरप डालेंगे। धीरे धीरे हमने इसको डालना है, एक साथ नहीं डालना, और हल्के हाथ से हम इसको हिलाएंगे। ये देखिए इस तरह से। थोड़ा सा और डाल देते हैं। अगर आप इस प्रोसेस से छेना बनाएंगे तो आपका छेना बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, रसमलाई के लिए एकदम सॉफ्ट बनेगा, बिल्कुल भी वो स्टिकी नहीं होगा। तो आप इसको धीरे धीरे से ही ऐड कीजिएगा। ये देखिए हल्का हल्का सा छेना बनना स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं हल्के से कर्डल जाने शुरू हो गए हैं दूध में। इसको बिल्कुल हल्के हाथ से हमने चलाना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये देखिए सारा मैंने विनेगर डाल दिया इसके अंदर, और आप देख सकते हैं छेना भी हमारा बनना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए पानी जो है वो सेपरेट हो रहा है और छेना हमारा अलग हो गया है दूध में से। ये देखिए बहुत बढ़िया हमारा छेना बन के रेडी हुआ है। अब जो साइड्स में लगा हुआ है इसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ। अब हम इसको छानेंगे, जिसके लिए मैंने एक कपड़ा रखा है बाउल के ऊपर। जैसे कि आप सब जानते हैं छेना बनाना तो आप सब लोग जानते होंगे, बस वही प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं। इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखिए काफ़ी मात्रा में हमारा छेना बन के रेडी हुआ है। अब मैं ये सारा पानी स्क्वीज़ कर लूँगी पहले। ये देखिए सारा पानी मैंने निकाल लिया है छेना का। अब हम इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे, ताकि इसमें विनेगर की थोड़ी सी भी खटास ना रहे। ये देखिए अच्छे से हमने पनीर को वॉश कर लिया है। अब हम इसको भी स्क्वीज़ कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसको प्रेस करना है, ज़्यादा ज़ोर लगा के नहीं प्रेस करना। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से मैंने इसको प्रेस किया है। अब मैं इसको टाई कर रही हूँ,
और 10 मिनट के लिए हम इसे कहीं पर टांग देंगे ताकि एक्सेस वाटर भी इसमें से सारा रिमूव हो जाए। इतने हम इसका सिरप बनाते हैं। सिरप के लिए मैंने यहाँ पर 4 गिलास पानी लिया है कंटेनर में। अब हम इस पानी में बॉयल आने देंगे और इसमें मैंने 1 कप चीनी ऐड की है। चीनी को डिसॉल्व कर लेंगे पहले। ये हमने सिरप तैयार करना है। हमें सिरप में फ्लेवर देने के लिए इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी बना सकते हैं या आप इसकी जगह रोज़ वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम सिरप में भी थोड़े से सैफरन थ्रेड्स डाल देंगे ताकि सिरप में भी सैफरन का फ्लेवर आ जाए और इससे हमारे सिरप का कलर भी जो है वो बहुत सुंदर हो जाएगा पकने के बाद। तो हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। इसमें अच्छा बॉयल आना चाहिए, उसके बाद ही हम इसमें रसमलाई डालेंगे। अब मैं आपको रबड़ी भी दिखाती हूँ। रबड़ी भी हमारी पक के क्वांटिटी में कम हो गई है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। मैं इसको बीच बीच में चलाती रही थी। 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। ये देखिए जो इस तरह साइड में मलाई आ जाती है, इसको भी हम इसी में ऐड करते रहेंगे जिससे हमारी रबड़ी बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगी। अब हम रबड़ी में भी फ्लेवर देते हैं थोड़ा सा इलायची के पाउडर का, और मैंने इसमें 1/2 कटोरी चीनी ऐड की है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। थोड़ी सी इसमें मैं आलमंड्स डाल दूंगी, आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं इसके अंदर। अब मैं इसको 4 से 5 मिनट तक और पकाऊंगी। ये देखिए काफ़ी थिक होनी शुरू हो गई है हमारी रबड़ी। इसको हम पकने देते हैं 4 से 5 मिनट तक। इतने हम छेना देख लेते हैं। छेना भी हमारा तैयार हो चुका है बिल्कुल। ये देखिए बहुत ही बढ़िया छेना बनके हमारा रेडी हुआ है, जैसे कि आप देख रही हैं सारा एक्सेस वाटर इसमें से रिमूव हो चुका है। अब हमें इस छेना के साथ थोड़ा वर्क करना है। ये देखिए इस तरह से हाथ के इस हिस्से से हमें इसको रब करना है अच्छे से। इस प्रोसेस में आपको 5 से 10 मिनट लग जाएंगे इसको अच्छे से स्मूथ करने के लिए। ये प्रोसेस आप मिक्सी में भी कर सकते हैं, बट मैं आपको इसे हाथ से करके बता रही हूँ जो इसका नेचुरल मेथड है। ये देखिए इस तरह से हमें सारे छेना के कर्डल्स रिमूव करने हैं और इसको बिल्कुल स्मूथ बनाना है जब तक कि ये प्लेटफॉर्म को छोड़ने लगे और इसमें से थोड़ा ऑयल निकलने लग जाए, तब तक हमें इसे रब करना है। ये देखिए छेना को रब करते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं और इसकी आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी काफ़ी स्मूथ होने लगा है। ये धीरे धीरे ये बोर्ड को छोड़ने लगेगा और इसमें से ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा, बस तब तक हमने इसको रब करना है। जितने अच्छे से आप छेना को रब करेंगे रसमलाई आपकी उतनी ही परफेक्ट बनेगी, एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी। ये देखिए छेना हमारा कैसे बाइंड हो गया एक डो की तरह। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ है ये। अब हम इसके रसमलाई के बॉल्स निकालेंगे। रसमलाई के बॉल्स आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंगली निकाल सकते हैं, छोटे या बड़े जैसे आपको पसंद हो। ये देखिए इस तरह से मैं इसको राउंड शेप दे रही हूँ पहले, फिर हम इसको थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे जैसे रसमलाई की शेप होती है। ध्यान रहे इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं होने चाहिए, और जिसके साइड्स होते हैं उसमें क्रैक पड़ जाते हैं उसको भी हमें अच्छे से क्लीन करना है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल क्लीन एक टिक्की की शेप में हम इसको बना लेंगे। ये देखिए सारे डो के मैंने रसमलाई बॉल्स बना के रेडी कर लिए हैं। अब हम सिरप देख लेते हैं। सिरप में भी अच्छा बॉयल आ रहा है और आप कलर भी देख सकते हैं सिरप का, सैफ्रन की वजह से इसका कलर भी बहुत सुंदर आया है। अब हम इसमें रसमलाई डालेंगे। गैस की फ्लेम आपको बिल्कुल तेज़ रखनी है इस प्रोसेस में, और जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं कि इसमें अच्छा बॉयल आ रहा है, इसी कंडीशन में आपने रसमलाई इसमें ऐड करनी है। गैस को बिल्कुल भी कम नहीं करना। अब मैंने इसको ढक दिया है, और ये जो इसमें थोड़ा सा होल है मेरे ढक्कन में उसको मैं कवर कर देती हूँ टूथपिक के साथ ताकि स्टीम बाहर ना निकले। अब इसको 10 मिनट के लिए हम तेज़ आंच पे पकने देंगे। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं, मैं आपको साइड करके दिखाती हूँ, काफ़ी बड़ी हो गई है रसमलाई साइज़ में फूल के, और कोई भी रसमलाई हमारी फटी नहीं है। ये देखिए मैं आपको स्पून से एक रसमलाई निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए
एकदम फूल के डबल साइज़ में होगी है रसमलाई हमारी, और सारी रसमलाई हमारी एकदम परफेक्ट बनी है, कोई भी फटी नहीं है। सिरप भी आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया है। ये देखिए चम्मच की हाथ मदद से आप इसे हल्के हाथ से प्रेस कीजिएगा ताकि इसमें से सिरप निकल जाए। ये देखिए इस तरह से, किसी भी फ्लैट स्पून से आप इसको इस तरह से प्रेस कर सकते हैं और इसमें से सारा सिरप आप रिमूव कर दीजिएगा। इस तरह से सारी रसमलाई मैं निकाल लूँगी। और रबड़ी को भी हमारे पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और काफ़ी थिक हो गई है ये। बस इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना क्योंकि ठंडी होने के बाद भी ये काफ़ी थिक हो जाती है, तो मैं इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेती हूँ। रसमलाई भी मैंने निकाल ली है सारी सिरप के अंदर से, और रसमलाई की रबड़ी भी हमारी रेडी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब हम इसको पोर कर देंगे रसमलाई के ऊपर। ये देखिए इस तरह से। वैसे तो आप रसमलाई को इसी टाइम खा सकते हैं, बट अगर आपको इसको फुल फ्लेवर के साथ खाना है बिल्कुल मार्केट जैसी, तो आप इसको 2-3 घंटे के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो आप इसको फ्रिज में रखिए, ठंडी होने दीजिए ताकि ये रबड़ी को अब्सॉर्ब कर ले अच्छे से और साइज़ में फूल के और डबल हो जाए। उसके बाद ये बहुत ही यम्मी लगती है। थोड़ा सा मैं इसको गार्निश कर रही हूँ आलमंड के साथ। अब मैं इसको ढक के फ्रिज में रख रही हूँ 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि रसमलाई किस तरह से सारी रबड़ी को अब्सॉर्ब कर लेगी और रबड़ी की कंसिस्टेंसी भी कितनी चेंज हो जाएगी। ये देखिए 2-3 घंटे हो चुके हैं, रबड़ी थोड़ी थिक हो गई है आप देख सकते हैं ठंडी होने के बाद। ये देखिए अब मैं आपको एक सर्व करके दिखाती हूँ रसमलाई। सारी रसमलाई हमारी एकदम परफेक्ट बनी है, कोई फटी नहीं है आप देख सकते हैं वीडियो में। ये देखिए, और रबड़ी की कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रसमलाई बनके रेडी हुई है हमारी, बिल्कुल मार्केट जैसी। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और आशा करती हूँ आपको सारे टिप्स और ट्रिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेरी हो मेरी रेसिपी को लेके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा MTV किचन को इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MTV किचन।